बीस से शुरू होने वाले बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है। अभी टीका 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा। आज से करीब एक हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का ऐलान किया था। बच्चों के लिए फिलहाल वैक्सीन का सिर्फ एक विकल्प होगा, जो को वैक्सीन होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले govin.in वेबसाइट पर जाएं। अगर आप कोविन पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहां आपको बच्चे का नाम, उम्र जैसी कुछ जानकारियां देनी होगी। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपके मोबाइल पर कंफर्मेशन मैसेज आएगा। फिर आप अपने इलाके का पिन कोड डालें, आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद तारीख और समय के साथ अपना वैक्सीनेशन स्लॉट बुक करें। ये सब कुछ करने के बाद आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर अपने बच्चे को कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने से पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ और सीक्रेट कोड की जानकारी देनी होगी, जो रजिस्ट्रेशन करने पर मिलती है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए तमाम राज्यों ने कमर कस ली है, इसलिए तमाम तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। बच्चों का वैक्सीनेशन इस वक्त की मांग है, और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि देश में 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ बच्चे हैं। वैक्सीनेशन का फायदा इन तमाम बच्चों को मिलेगा और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे बच्चे मजबूत होंगे। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब।